सचिन पायलट और सचिन पायलट गुट मुमकिन है कि सोच रहा होगा कि नवरात्रों में प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव होने हैं, मंत्रिमंडल विस्तार होना है, प्रदेश अध्यक्ष बदलने की भी खबरें मिल रही थी। लेकिन अब क्या वाकई में ये बदलाव हो पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई और एक महीने में अगर कांग्रेस ने अपर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया और अगर अपर कोर्ट ने राहुल गांधी की जेल पर रोक नहीं लगाई तो फिर राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा और पूरे कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर प्रदर्शन करना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी पर गिरी गाज को सचिन पायलट गुट पर गिरी गाज के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अब राजस्थान मंत्रिमंडल का काम कुछ दिनों के लिए रुक जाएगा। संगठन में होने वाले बदलाव पर भी कुछ दिन बात नहीं होगी। प्रदेश कांग्रेस समेत राष्ट्रीय कांग्रेस राहुल के मुद्दे को उठाएगी। ऐसे में सचिन गुट भी नहीं रख पाएगा अपनी मांग को मजबूती से। सचिन पायलट गुट को भी करना होगा स्थिति के सही होने का इंतजार। वहीं इस स्थिति में सचिन गुट नहीं कर सकता कोई बगावत या किसी डिमांड करने की स्थिति में भी नहीं आ रहा नजर। यानी एक तरफ जहां राहुल गांधी को सजा, सचिन गुट को सियासी सजा के तौर पर देखी जा रही है, वहीं गहलोत गुट के लिए राहुल गांधी की ये सजा किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि आगामी 3 महीनों में अगर बदलाव नहीं होता तो फिर माना जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस में बदलाव नहीं होगा। वहीं राहुल गांधी अगर 2023 के चुनाव में जेल में ही रहते हैं तो फिर सचिन गुट का भविष्य क्या होगा, ये सचिन पायलट को ही तय करना होगा। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जल्दी बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।